हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कुछ इस तरह से बॉलीवुड के ड्रग रैकेट से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे एक्शन में है और ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग माफिया है उसकी सारी परतें एनसीबी तलाश लेगी। इन सब के बीच जानना समझना बहुत जरूरी है कि आज एनसीबी किनसे पूछताछ करने वाली है। जया साहा जो कि टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं सुशांत सिंह राजपूत की, श्रुति मोदी और करिश्मा प्रकाश तमाम कई लोगों के और भी संपर्क में आई है सूत्रों के हवाले से ऐसी भी जानकारी। और श्रुति मोदी जो कि पूर्व मैनेजर रह चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत से, एनसीबी आज इन सभी से पूछताछ करने वाली है। तो इन तमाम लोगों से पूछताछ होने वाली, यानी आज का दिन भी बेहद अहम होने वाला है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस पूरे मामले में जिस तरीके से नए नामों का खुलासा आ रहा है, वो ये छोटे मोटे नाम नहीं है, बहुत बड़ी मछलियां हैं जिनके फंसने की अब बात हो रही है। क्या कुछ निकल सकता है आज की पूछताछ में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एबीपी न्यूज पहले से ही अपने दर्शकों को बता रहा था कि जितने भी लोग अभी तक पकड़े गए हैं वो सिर्फ छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियों के नाम सामने आना बाकी है, बड़े लोग सामने आना बाकी हैं और बॉलीवुड के वो बड़े नाम अब सामने आ चुके हैं। आज करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उससे पूछताछ में कई तमाम और खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से जो दीपिका पादुकोण की ये चैट सामने आई है, 2017 की ये चैट बताई जा रही है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि उस वक्त दीपिका डिप्रेशन में थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं दीपिका की मुश्किलें बढ़ने ही वाली है क्योंकि जो एनसीबी की टीम है उन्होंने करिश्मा के लिए एक लंबी सवालों की फहरिस्त तैयार की है और अब उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार दीपिका ने कितनी बार ड्रग्स की डिमांड करिश्मा से की थी। इसके अलावा कल जया शाह से तो पूछताछ की ही गई थी, आज फिर से दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल करीब 4.5 घंटे तक जया शाह से पूछताछ की गई थी और आज फिर से पूछताछ की गई थी। इसके अलावा श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो हमारे जो एनसीबी के सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दीपिका पादुकोण को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले तमाम जो नाम सामने आ चुके हैं, बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ चुके हैं जिसके अंदर सारा अली खान है, रकुल प्रीत सिंह है, इसके अलावा श्रद्धा कपूर है, इनके नाम भी सामने आ चुके हैं, इनको भी नोटिस किया जाएगा। तो इन तमाम बॉलीवुड के जो जितने भी बड़े सितारे हैं उनकी मुश्किलें अब इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। तो ऐसा लग रहा है मनोज पिटारा खुल चुका है और अब ये पिटारा जब खुलेगा, दीपिका से पूछताछ होगी तो उन्हीं के लीक के और भी कई लोगों के नाम सामने आएंगे। जी बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिटारा खुल चुका है और जिस तरीके से एनसीबी के जो हमारे सूत्र लगातार बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने में करीब 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी और भी नाम सामने आना बाकी है, और भी पेडलर्स पकड़े जाना बाकी है। आपको बता दूं विकास, इस पूरे मामले के अंदर अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी गिरफ्तारियां और भी होना बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रहेगी तमाम बड़े नाम सामने आते रहेंगे, इसके अलावा भी और नाम सामने आएंगे। आप लगातार नजर बनाए रखिए, ताजा अपडेट आगे भी मुझे आपसे लेनी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जया शाह एक ऐसा नाम है, एक ऐसी कड़ी है जिसके जरिए कई खुलासे एनसीबी आगे भी कर सकती है।